है ना। चलो तो फिर करते हैं स्टार्ट, है ना। कहाँ एंड करा था अपन ने, कौन सा मेथड, सीरीज, नहीं सीरीज वाला मेथड भी अभी नहीं बताया था ना आपको, सीरीज वाला मेथड नहीं बताया था। कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, अच्छा वो सब्स्टिट्यूशन वाला एक क्वेश्चन कराया था लास्ट में ना कि सब्स्टिट्यूशन अपन कर सकते हैं, तो उसमें फॉर्मूले आपको बता दिए थे सारे, है ना। लॉग वाले फॉर्मूले, लॉग वाला बता दिया था आपको, एक्सपोनेंशियल वाला आपको बता दिया था, है ना। लॉग वाला हो गया था, एक्सपोनेंशियल वाला, ट्रिग्नोमेट्री वाले सारे फॉर्मूले अपने हो गए थे, फॉर्मूले सारे हो गए थे, और एक लास्ट में एक सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड आपको एक बता दिया था लास्ट में ना, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड आपको बता दिया था, ठीक है ना। इतना काम अपना हो गया था, ठीक है। चलो सैंडविच थ्योरम ले लेते हैं आज, एक काम करते हैं सैंडविच थ्योरम ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर वापस से सैंडविच थ्योरम थोड़ा अलग सा पार्ट है, वैसे तो मैं लास्ट में लेता हूँ, चल पर ले ही लेता हूँ वो सैंडविच थ्योरम, क्वेश्चन बीच बीच में आएंगे ताकि सैंडविच थ्योरम, हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इस पे सैंडविच थ्योरम पे, मतलब एक आध बार आया होगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया होगा एक शायद से, पर मेंस में भी आ जाते हैं, एडवांस में भी आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सैंडविच थ्योरम है क्या बेसिकली, देखो कि क्या है, डेरिवेटिव्स कब लेंगे, इसके बाद होगा ना शेयर्स, लिमिट के बाद लिमिट, कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव, लिमिट कंटिन्यूटी एलसीडी ऐसे बोलते हैं, एलसीडी लिमिट कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो सैंडविच थ्योरम की यदि मैं बात करूं तो सैंडविच थ्योरम है क्या बेसिकली, सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज प्ले थ्योरम भी इसको बोलते हैं, स्क्वीज प्ले थ्योरम भी अपन इसको बोलते हैं। तो इट्स लाइक सैंडविच, नाम भी जो सैंडविच रखा है वो उसी दे रखा हुआ है, कि सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है, लेट्स से लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एक फंक्शन है, इसके मतलब लिमिट अपने को निकालनी है, और ये जो एफ एक्स है मतलब बहुत अनकन्वेंशनल टाइप का मेथड है, ये जो है ना बहुत अनकन्वेंशनल टाइप का मेथड है, थोड़ा सा डिफरेंट है मतलब, ठीक है। और ये जो एफ एक्स फंक्शन है, ये एफ एक्स फंक्शन मुझे कुछ इस तरह से समझ में आया कि लेट्स से ग्रेटर देन जी एक्स एंड से लेट्स से लेस देन एच एक्स, इक्वल टू भी आ सकता है, इक्वल टू भी आ सकता है, कि मुझे जिस फंक्शन की लिमिट निकालनी है वो जी एक्स से ग्रेटर और एच एक्स से लेस, ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है ना। लगाना कब है, मान लो कि मेरे पास जो भी मेथड्स थे लिमिट सॉल्व करने के लिए, मतलब मैं कोई भी मेथड उस पर अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, लेट्स से कोई मेथड नहीं लग पाया, फिर एक पॉसिबिलिटी, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। तो इस एफ एक्स के लिए मैं दो फंक्शन ऐसे डिफाइन कर पाऊं कि एक से ये ग्रेटर आ रहा हो और एक से ये लेस आ रहा हो, एक से ग्रेटर आ रहा हो और एक से लेस आ रहा हो, इक्वल टू भी कहीं पे लग, इक्वल टू भी कहीं पे लग सकता है, ठीक है। और मैंने लिमिट सॉल्व करी, इस पूरे पे मैंने लिमिट लगाई, लेट्स से लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एंड लेट्स से लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एच एक्स, ठीक है। एंड द मेन लॉजिक इज दैट कि आपने लिमिट सॉल्व करी और ये लिमिट तो मेरे से सॉल्व नहीं हो पा रही थी, ये वाली लिमिट तो सॉल्व नहीं हो पा रही थी, ये मैंने सॉल्व करी जो भी अपने मेथड है फैक्टराइजेशन जो भी मेथड है मतलब उससे, और ये सॉल्व करी, एंड द मेन की पॉइंट इज दैट कि इसको सॉल्व करा, ये भी लेट से मुझे एल मिल गया, कोई वैल्यू एल, फाइनाइट वैल्यू मिल गई, ये तो ऐसा कैसा है यहां, इसको तो सॉल्व करना ही है, और यहां पे भी लेट्स से मेरे पास एल आ गया, ये ऐसा कैसा, ठीक है। इसको सॉल्व करा एल आ गया, और इधर से इसको सॉल्व करा ये भी एल मेरे पास आ गया, तो फाइनली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यदि मैं बोल रहा हूं कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल है और इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू एल भी है, तो इसका मतलब डेफिनेटली लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स की जो वैल्यू है क्या होनी चाहिए, एल होनी चाहिए, एल होनी चाहिए, कुछ इस तरह के केस की अगर बात करें।
सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइक सैंडविच थ्योरम, मतलब दो सेम वैल्यू के बीच में, एक तरह से दो सैंडविच टाइप का बन गया, एक तरह से दो सेम वैल्यू के बीच में अपने पास इस टाइप का बन गया वो सैंडविच थ्योरम। ठीक है, तो लगाना तो बहुत सिंपल सा है, इसमें बस जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि आइडेंटिफाई करना कि आप सैंडविच थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा, सैंडविच थ्योरम कहां पे लगेगा, वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। ठीक है, दो तीन एग्जांपल्स में इसके कराता हूं, आप एक बार ये लॉजिक लिख लो, फिर दो तीन एग्जांपल्स में इसके कराता हूं। हेलो, अच्छा, हाँ वो समझ गया, ठीक है, हाँ अच्छा, तो पहले पहले बात ये की जाते हैं किस तरह से, अच्छा व्हाट्सएप, ओ ठीक है, अच्छा अच्छा तो चलो, देख लीजिए जब तो आप आधे घंटे भी क्या, आधे घंटे में भी क्या होगा ना मैडम, वो पांच 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 तक, पांच दस तक वो लोग ही नहीं हो पाऊंगा, पांच पांच तक तो पंद्रह बीस मिनट में। हाँ अंकित सर की क्लास कितनी बजे, कितनी बजे की चली है अंकित सर, पाँच यहाँ, या तो फिर उनको ऐसा बोल दो अंकित सर को मैं पाँच से छः में लूंगा, छः से सात बोल दूंगा, अब एक घंटा तो लूँ फिर लूँ बोल, हाँ ऐसा करो पाँच से छः, छः से सात, हाँ 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 है ना पाँच, हाँ ऐसा बोल रहे हैं पाँच बजे है ना, ठीक ठीक आओ, पाँच मिनट का वेट कर देना, पाँच पाँच से, हाँ ऐसा चलिए, x और a की वैल्यू में, इसमें x और a की वैल्यू में कोई रिस्ट्रिक्शन है या कुछ भी हो सकती है? नहीं, x और a की वैल्यू में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है, वो तो सिंपल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो दिखेगी ना वो लिमिट की तरह ही दिखेगी, उसमें कोई ऐसा अलग सा कुछ नहीं दिखेगा आपको, प्रॉब्लम तो अपनी क्या लिमिट की तरह ही दिखेगी है ना, उसमें अलग सा कुछ नहीं दिखेगा आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें ना एक ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला केस, एक बहुत स्टैंडर्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला केस, यदि आप देखो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की ना एक प्रॉपर्टी होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन x माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू x, ऐसा वाला केस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि
मतलब तो इसलिए इस ग्रेटेस्ट इंटर एक्स किसी फंक्शन में आ रहा ना उसको मैं बहुत इजीली ये इस टाइप का रिलेशन में कर, मतलब मुझे ना इनइक्वलिटी बनानी है एक तरह से, तो मेरा मेन फंक्शन बीच में आएगा और बाकी दोनों फंक्शन इधर आ जाएंगे, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल लिमिट n tending to infinite greatest integer x plus 2x up to nx upon n square. Limit n tending to infinite greatest integer x plus greatest integer 2x up to greatest integer nx upon n square. And बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है इसकी, ठीक। अब देखो इसमें कैसे लगाएंगे अपन, अब पहले तो क्या अपने क्वेश्चन में ये समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई इसमें दूसरा मेथड नहीं लग रहा है अपने को, है ना, दूसरा मेथड नहीं लग रहा है। अब देखो मैं कैसे कन्वर्ट करता हूं इसको, लेट्स से इस वाली प्रॉपर्टी से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर टू एक्स greater than 2x minus 1 less than equals to 2x, ऐसे करते करते greatest integer nx nx minus 1 and less than equals to nx, लिख सकते हैं, ठीक है। ऐड कर लो सबको, सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करेंगे अपन तो मुझे दिख रहा, हाँ ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो यहां पर आएगा x प्लस 2x अप टू एन एक्स लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 2x अप टू एन एक्स, इधर से ऐड करेंगे तो x प्लस 2x अप टू एन एक्स माइनस एन, क्लियर, अपॉन एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तब लिमिट लगा दिया एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट लगा दिया एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट लगा दिया एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है, लिमिट लगा दिया एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, राइट। चलो ये तो बन गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, यहां पे आते हैं, राइट। इसमें से एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है, यहां से एक्स कॉमन लेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यदि x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n अपॉन n स्क्वायर एंड n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सम याद है बेटा इसका, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 n स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, n स्क्वायर कॉमन लेंगे ब्रैकेट में तो n स्क्वायर, तो यहां पर आएगा 1 प्लस 1 बाय n अपॉन 2 n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट n पे चल रही है बेटा, x पे नहीं चल रही है, लिमिट n पे चल रही है, तो लिमिट लगाओगे n टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो 1 बाय इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, x बाय 2 बचेगा, x बाय 2 इधर आ गया, इधर सॉल्व कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं इसको भी, इन दोनों को अलग कर लो, इन दोनों को अलग कर लो, तो अलग करोगे तो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट दिखा रहे हैं यहां तक, x कॉमन, यहां से भी वही x कॉमन ले लेते हैं तो n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 n स्क्वायर यहां पर आ गया और माइनस n बाय n स्क्वायर मतलब 1 बाय n यहां पर आ गया मेरे पास, ठीक है, वही यहां से भी n स्क्वायर कॉमन लेंगे, सेम ही हो गया, ये वाली चीज तो सेम ही हो गई ना, ये तो सेम ही हो गया, तो इसको सॉल्व करोगे तो x by 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 by infinite करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा मेरे पास, x by 2 आ जाएगा, तो कुल मिला के बात ये हो गई, ठीक है, कि इसकी वैल्यू भी मेरे पास x by 2 आ रही है और इसकी वैल्यू भी x by 2 आ रही है,
तो इसलिए मेरे इस लिमिट का जो आंसर है वो x by 2 हो जाएगा, x by 2 हो जाएगा। आई कि नहीं बात समझ में, बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, हाँ मेथड जरूर थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टाइप का मेथड तो है, वो तो है ना अनकन्वेंशनल मेथड है, मतलब थोड़ा सा कहीं कहीं पे मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे एक बहुत कॉमन चीज है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया या कोई भी ऐसा फंक्शन दिख रहा है जिसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आप बाउंड कर सकते हो, उसको बाउंड करना पड़ेगा आपको दोनों एंड से। बहुत सी बार क्वेश्चन में ही दे देता है, क्वेश्चन में ऐसा एक बार जो क्वेश्चन आया था उसमें उसने दिया हुआ था, ठीक है। तो एन इंटू एन प्लस वन कैसे हुआ, एन इंटू एन प्लस वन, ये अरे ये तो एपी का फॉर्मूला लगाया, मुस्लिम जीरो एपी का फॉर्मूला लगाया ना, वन प्लस टू प्लस थ्री ए एन बाई टू ए प्लस एल, एपी का फॉर्मूला लगाया NN plus 1 by 2, ठीक है। चलो इसको लिख लो, अब दो चार क्वेश्चन देखें आप ट्राई करना इस पे। x प्लस टू एक्स इनको ऐड करा ना बेटा, प्रियांशु ये इनको ऐड करा ना कॉलम वाइज, तो इन सबको ऐड करोगे तो x प्लस टू एक्स प्लस एन एक्स, एक्स प्लस टू एक्स प्लस एन एक्स माइनस वन माइनस वन माइनस एन आएगा, ये आएगा सबको ऐड करने। जैसे एक क्वेश्चन में और बता देता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो x स्क्वायर साइन वन बाय x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो x स्क्वायर साइन वन बाय x, देखो अब इसमें कैसे लगा सकता हूं मैं कि साइन वन बाय एक्स, साइन वन बाय एक्स को बाउंड कर सकते हो, साइन वन बाय एक्स, ठीक है। साइन वन बाय एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, साइन वन बाय एक्स की वैल्यू माइनस वन से लेके वन तक होती है कि नहीं, साइन वन बाय एक्स को मैंने लिख दिया माइनस वन से लेकर वन तक, ठीक है। कुछ भी ले लू मैं एक्स, इतना तो कंफर्म है कि साइन वन बाय एक्स माइनस वन से वन तक आना है, बिल्कुल सही है प्रवीण,
लेट्स से इसको मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दिया, बस लिमिट लगा दो, लिमिट लगा दी एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये भी जीरो आएगा ये भी जीरो आएगा, तो सीधे सीधे इसका आंसर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास जीरो आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है चलो अब एक दो क्वेश्चन देखें आप करो इसके। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो x by a greatest integer of b by x, ये greatest integer f mapping 1 से लेकर इनफाइनाइट 0 से इनफाइनाइट f is continuous increasing function, limit extending to infinite f of 4x upon f of 8x is equals to 1, then limit extending to infinite f of 6x अपॉन एफ ऑफ एट एक्स की वैल्यू बढ़ती है। हाँ प्रवीण सही है। नहीं पार्थ हो हाँ हाँ बी और ए की टर्म्स में आएगा, सही बोल रहे हैं मुस्तन से, बी और ए की टर्म्स में आएगा।
नहीं नहीं रोहित, हाँ मुस्तन से सही है। हाँ वो ठीक है, मैं समझ गया था, कोई दिक्कत नहीं, वो बी बाय ए है वो ठीक है। फोर्थ का थर्ड वाला हो गया क्या? थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया क्या? सही है, वेरी गुड, ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बी बाय ए को लिख सकते हैं बी बाय एक्स को, सॉरी बी बाय एक्स को लिख सकते हैं बी बाय एक्स से ग्रेटर, बी बाय एक्स माइनस वन से ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू बी बाय एक्स, ठीक है। नाउ अब इसको x बाय ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x बाय ए से मल्टीप्लाई करेंगे, x बाय ए से मल्टीप्लाई करोगे, x बाय ए से, x बाय ए से मल्टीप्लाई करोगे, कैंसिल इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट लगाएंगे अपन तो अपना आंसर आ जाएगा एक्स बाय से, यहां पर भी एक्स बाय ए आएगा, सॉरी यहां पर भी एक्स बाय ए आएगा, लिमिट लगाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो इधर भी बी बाय ए आएगा और इधर भी बी बाय ए आ जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा बी बाय ए। फोर्थ वाले का नहीं, नहीं पार्थिव,
हुआ क्या फोर्थ वाला? चलो मैं बता देता हूं, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसमें फोर्थ वाले में, है ना। नहीं थ्री भी नहीं आएगा, हाँ वन सही है, वन आएगा। ठीक है, बहुत कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसका डोमेन दिया हुआ वन से इनफाइनाइट, ये हो गया ना, ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन रेंज जो भी मानो अपन, कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ। ठीक है, नाउ मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 4x, 6x और 8x, 4x, 6x और 8x, कंटिन्यूस मतलब x पॉजिटिव वैल्यू के लिए, x 1 से इनफाइनाइट के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, x 1 से इनफाइनाइट के लिए 8x की वैल्यू 6x से ज्यादा आएगी और 6x की वैल्यू 4x से ज्यादा आएगी 1 से इनफाइनाइट के लिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यदि मैं इस पे f लगाऊंगा f, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा f लगाएंगे तो, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा f लगाएंगे तो। ठीक है, कुछ नहीं, इसको f ऑफ 8x से डिवाइड कर दो, f ऑफ 8x से, तो f ऑफ 8x से यदि मैंने डिवाइड करा f of 8x, ठीक है, और लिमिट लगा दो इस पे x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट लगाएंगे x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो f of 4x upon 8x की वैल्यू 1 गिवन है, और f of 8x upon 8x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी, बस। तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं। लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, 2 अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर, अप टू एन अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर। वन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर, टू अपॉन टू प्लस एन स्क्वायर, अप टू एन अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर, अप टू एन अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर। हाँ हाँ खुशी सही है, गुड।
नहीं हाँ जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, वो ऐसा लग रहा होगा जैसे आप इनफाइनाइट रखोगे ना तो वन बाय इनफाइनाइट आपको लग रहा होगा जीरो जीरो ऐसा लग रहा होगा, तो जीरो प्लस जीरो प्लस, लेकिन एन भी तो इनफाइनाइट है ना, तो एन भी इनफाइनाइट यदि है तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो कितने टाइम्स हो गया, इनफाइनाइट टाइम्स हो गया ना वो, तो इनफाइनाइट नहीं। ठीक है देखो अब इसमें क्या करते हैं, एक ऑप्शन बताता हूं आपको सीरीज वाले क्वेश्चन में कि अपन क्या करते हैं। देखो इन इस सीरीज में यदि आपका डिनोमिनेटर सेम होता, डिनोमिनेटर तो सीरीज का सम निकल जाता, यदि डिनोमिनेटर सेम होता तो सीरीज का सम निकल जाता है ना, तो अपना टारगेट यही है। कभी भी यदि सीरीज वाली प्रॉब्लम पे आपको ये लगाना हो तो सबसे अच्छा है कि आप क्या करो, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ट्राई करो, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ट्राई करो है ना। तो एक तो इसका डिनोमिनेटर यूज करूंगा मैं और एक इसका डिनोमिनेटर यूज करूंगा, कैसे देखना, 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, 2 अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर, अप टू एन अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर। ठीक है नाउ अब एक में तो मैं सबका डिनोमिनेटर ये कर लेता हूं, 1 अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर, 2 अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर, अप टू एन अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर। ठीक, और एक में सबका डिनोमिनेटर ये कर लेता हूं मैं, 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, अप टू एन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर। ठीक है अब आप ये बताओ कि ये तो चलो इक्वल टू हो गया, ये इक्वल टू हो गया, इन दोनों वैल्यू में कौन सी वैल्यू ग्रेटर आएगी, टू अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर कौन सा ग्रेटर होगा, LHS की RHS ग्रेटर होगा, LHS ग्रेटर होगा कि RHS ग्रेटर होगा, 2 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर ये ग्रेटर होगा, क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है तो वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है प्रियांशु, इन दोनों में डिनोमिनेटर किसका ज्यादा है, ये जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उसकी वैल्यू कम होगी, तो ये वैल्यू कम होगी तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है और इसमें क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है तो इसलिए इसकी वैल्यू कम होगी, तो ये ग्रेटर यहां पे इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास। ठीक है बस ऐड कर लो सबको, बीच में ऐड करोगे तो यही वाली सीरीज आनी है आपके पास, बीच में करूंगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर से लेकर मेरे पास आएगा एन अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर आएगा। ठीक है इधर आ जाएगा ग्रेटर देन, और इधर ऐड करेंगे तो एलसीएम सबका सेम ले लू मैं, एलसीएम सेम लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन आएगा और अपॉन में आएगा एन प्लस एन स्क्वायर, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है और ऐसे यहां पर आएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहां पर भी आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है चलो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन का सम कितना होता है, अभी बताया था एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है ग्रेटर होगा ना एन प्लस एन स्क्वायर ग्रेटर होगा। ठीक है डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा वो वैल्यू कम, तो ऑब्वियस बिल्कुल सही बोल रहे हो, एन प्लस एन स्क्वायर ग्रेटर होगा, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है तो वैल्यू तो ये कम होगी ना बेटा श्रेयांश। ठीक है ये वाली वैल्यू ऑब्वियसली इससे ज्यादा है तो डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा है वैल्यू कम होगी राइट। ठीक है मैं अपने पास से लेना है इक्वलिटी क्वेश्चन में, अपने पास इक्वलिटी आए तो भी सही है, इक्वलिटी नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहां पे इक्वलिटी नहीं लग पाई, ये तो इक्वल टू था लेकिन सबको ऐड करोगे तो ये सारे ग्रेटर है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हो सकते कभी भी, तो इसलिए मैंने केवल ग्रेटर देन लगाया है इसमें। ठीक है राइट फिर से समझ लो भाई, एक तो इधर सबका डिनोमिनेटर सेम करा, इधर इसका डिनोमिनेटर सेम करा। ठीक है तो भाई मैं क्या कर रहा हूं कि जिसका एक पॉइंट समझ लो, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा वैल्यू उसकी कम होगी, क्योंकि सारे डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो इनके डिनोमिनेटर इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, इनके डिनोमिनेटर ज्यादा है तो इनके डिनोमिनेटर ज्यादा है तो वैल्यू कम होगी, तो दैट्स व्हाई ये लेस।
और इनके डिनोमिनेटर ज्यादा है तो इसलिए ये वाली वैल्यू लेस होगी, बाकी तो कुछ नहीं, ऐड करा दोनों को, इसको ऐड कर लिया, इसको ऐड कर लिया, इसको ऐड कर लिया, ठीक है। अब ऐड करा है, ऐड करा तो एलसीएम तो सेम आ गया ना, एन प्लस एन स्क्वायर, ऐड करा तो एलसीएम तो सेम आ गया, ठीक है। वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन का सम तो पता है ना, अभी बताया था, ठीक है। वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन का सम कितना होगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसका सम कितना होगा, एन एन प्लस वन बाय टू, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, ये होगा, ठीक है। यहां से भी एन कॉमन ले लो, यहां से भी एन स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है। यहां से एन कॉमन लोगे तो एन स्क्वायर वन प्लस वन बाय एन, और यहां से एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो टू एन स्क्वायर आएगा, वन बाय एन प्लस वन आएगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, लिमिट लगाएंगे तो ये जीरो, ये जीरो, कितना आ जाएगा मेरे पास, वन बाय टू आ जाएगा, वन बाय टू, ठीक है। बिल्कुल सेम इधर भी सॉल्व कर लो आप, तो एन इंटू एन प्लस वन बाय टू आएगा, ठीक है। और वन प्लस एन स्क्वायर, ऊपर से भी यहां से एन कॉमन लेंगे तो एन स्क्वायर कॉमन लेंगे, वन प्लस वन बाय एन, यहां से टू एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन बाय एन स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, लिमिट आएंगे तो ये जीरो, ये जीरो, चलो नेक्स्ट लेते हैं अपन, इसमें लिमिट यूजिंग सीरीज एक्सपांशन, लिमिट यूजिंग सीरीज एक्सपांशन, अब कुछ स्टैंडर्ड सीरीज है अपने पास, उन सीरीज का यूज करके उन सीरीज का यूज करके अपन लिमिट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। करना कुछ नहीं, बस स्टैंडर्ड सीरीज है, डायरेक्टली कहीं पर वो टर्म आ रही है तो आप डायरेक्टली उस सीरीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी सीरीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पहले मैं बता देता हूं, सबसे पहले साइन एक्स, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री, एक्स फाइव बाय फैक्टोरियल फाइव, फैक्टोरियल, ठीक है, x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स फाइव बाय फैक्टोरियल फाइव, cos x की सीरीज वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू, एक्स फोर बाय फैक्टोरियल फोर, अप टू इनफाइनाइट तक चलेगा। टेन एक्स की सीरीज x प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री टू बाय फिफ्टीन, एक्स पावर फाइव,
पावर एक्स की सीरीज है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री अप टू इनफाइनाइट ए पावर एक्स की सीरीज है वन प्लस ln 1 प्लस x की सीरीज x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3 माइनस x 4 बाय 4 अब तो इनफाइनाइट ठीक है। चलो इसको लिख लो, स्टैंडर्ड सीरीज है तो कहीं पर भी साइन कॉस टेन ई पावर एक्स ए पावर एक्स एलन वन प्लस एक बाइनोमियल वाला भी मैं लिखा देता हूं, बाइनोमियल वाला भी आ जाएगा क्या, आ जाएगा जो ऊपर लिखूंगा बाइनोमियल वाला। टेन एक्स में ध्यान रखना, टेन एक्स में x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 एक्स पावर 5 है ना, सारी टर्म प्लस की है। 10x में क्या हो रहा है, सारी टर्म प्लस की है, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 एक्स पावर 5 ठीक है। यूज डायरेक्ट साइन x आ गया, सीरीज लगा लो डायरेक्ट, कुछ नहीं करना आपको। हाँ सर, ठीक है सर, हाँ 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 वो मेरी बात हो गई है, तो 5 बजे का मैडम ने बोला था, 5 बजे का ठीक है, ओके ओके है ना ठीक है। अभी सर नेक्स्ट क्लास आपकी है क्या इसमें, ठीक है ठीक है। चलो तो बस मैं 5-7 मिनट में छोड़ रहा हूं सर, है ना, है सीपीजेड सर की है, नहीं नहीं सीपीजेड सर की थोड़ी ना, अजीत सर की बता रहे हैं, अजीत सर की क्लास है ना अभी नेक्स्ट। एक ये बाइनोमियल वाला और लिख लो बेटा, वन प्लस एक्स की पावर एन ठीक है, वन प्लस एक्स की पावर एन वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन बाय फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर ठीक है। याद है ना बाइनोमियल का, बाइनोमियल याद है, वन प्लस एक्स की पावर एन को लिख सकते हैं अपन ठीक है, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसको यूज कैसे करना है आपको, मतलब जितने भी जैसे अपन ने वो जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस करे ना, फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आप सीरीज से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला आ जाए कोई हायर पावर्स आ जाए अपनी, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स कॉस एक्स माइनस
ln 1 plus x upon x square. ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x cos x माइनस log 1 plus x upon x square. ठीक है, इसको सॉल्व करना अपने को. हाँ, बस एक चीज जरूर है कि ये जैसे अपन लिमिट की ये जब भी सीरीज वाली प्रॉब्लम करते ना, तो सीरीज आपको तभी लगानी है जब आपका एक्सटेंडिंग टू जीरो लिमिट चलेगा. सीरीज तभी लगेगी जब एक्सटेंडिंग टू जीरो वाले, एक्सटेंडिंग टू जीरो वाले केस में ही सीरीज लगेगी, एक्सटेंडिंग टू जीरो वाले में. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे लगाना है अपने को, एक्स सीधे cos x की सीरीज लगा देता हूं मैं, cos x की सीरीज, मतलब कोई कंडीशन नहीं, बस एक ही कंडीशन है एक्सटेंडिंग टू जीरो वाला, है ना. cos x की सीरीज लगाएंगे तो cos x की सीरीज क्या होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल बाय. अब बस एक कंफ्यूजन आपको ये होगा इस सीरीज में कि कितनी टर्म्स अपने को लिखनी है, एक छोटा सा कंफ्यूजन ही हो सकता है कितनी टर्म्स अपने को लिखनी है. तो जनरली क्या होता है कि आप देखना, जैसे मैं एक बार मैं इसको पूरा करके बताता हूं, उसके बाद आप देखना. x cos x हो गया माइनस ln 1 plus x, ln 1 plus x की सीरीज क्या होगी, x minus x cube, sorry, x minus x square by 2 plus x cube by 3, ठीक है, upon x square, limit extending to 0, ये होगा. Now, limit extending to 0 को मैंने solve करा, तो ये मेरे पास आ जाएगा x minus x cube by 2 plus x हो गया, x cube by 2 हो गया, plus x power 5 by factorial 4 यहां पे आ गया, ठीक है, और इधर से ये आ गया minus x minus x square by 2 plus x cube by 3, ये x से x कैंसिल, ठीक है. अब जैसे extending to infinite वाली जो प्रॉब्लम थी, tending to infinite वाली प्रॉब्लम, तो tending to infinite वाली प्रॉब्लम में आपको क्या बताया था बेटा, tending to infinite वाली में अपन highest power common लेते थे, tending to infinite वाली में highest power common लेते थे, इसमें आपको least power common लेनी है, इसमें least power common लेनी है. तो for example इन सब में least power कितनी आ रही है, यहाँ पे सब में least power कितनी आ रही है, x square आ रही है, तो x square यहाँ से common लेके cancel हो जाएगा, ठीक है. अब उसके बाद जब x square common लेके cancel हुआ तो मेरे पास क्या बचा, ठीक है, least power common लेना, यहाँ पे लिख लेना common least power, लीस्ट पावर कॉमन लेनी है आपने, ठीक है. तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल करा, यहां पे आ गया माइनस एक्स बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 4, ठीक है. यहां पे बचेगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया माइनस 1 बाय टू प्लस एक्स बाय 3, ठीक है, राइट. और अब आप लिमिट लगाओगे इसमें, तो लिमिट लगाएंगे तो ये सारी टर्म्स आपकी जीरो हो जाएगी, ये सारी टर्म्स जीरो हो जाएगी, ये सारी टर्म्स जीरो हो जाएगी मेरे पास, और बचेगा माइनस माइनस प्लस 1/2 बचेगा मेरे पास, ठीक है. तो बस सीरीज का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस एक्सटेंडिंग टू जीरो हो, कहीं पर भी दिख रहा है लॉग दिख रहा है, ln 1 plus x दिख रहा है उसकी सीरीज लगा दो, cos x दिख रहा है cos x की सीरीज लगा दो, ठीक है. तो डायरेक्ट सीरीज लगा दो, सीरीज लगाने के बाद आपके पास सीरीज जैसे आप लगाओगे तो एक तरह से सीरीज लगाओगे तो ऊपर भी आपके पास x का पॉलिनोमियल बनेगा, नीचे भी x का पॉलिनोमियल. अब कितनी, हाँ मैं वो बता रहा था कितनी टर्म तक लेना है वो डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर पे. अब जैसे डिनोमिनेटर x स्क्वायर है ना, तो ऊपर भी अपने को x स्क्वायर और उससे एक ज्यादा पावर ले लो, आप ज्यादा से ज्यादा एक पावर ज्यादा ले लो, ठीक है, x स्क्वायर ले लो और एक पावर ज्यादा, ठीक है. तो x4 लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, x4 नहीं, और देख भी लो आप x4 जीरो हो रहा है वैसे भी, ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है. तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग अपने को चलना है, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग, ठीक है. लास्ट स्टेप में बेटा ये करा, cos x की सीरीज ये रही, ln 1 plus x की सीरीज ये रही, मल्टीप्लाई करा, x x कैंसिल हो गया, ठीक है. लीस्ट पावर कॉमन लिया तो इन सब में लीस्ट पावर क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दिया और लिमिट लगा दी, तो आगे की सारी टर्म जीरो हुई. बोलो पार्थिव क्या डाउट है, हाँ बोलो.
बोलो पार्थ क्या डाउट है? सेकंड लास्ट स्टेप। हाँ तो ये सीरीज मल्टीप्लाई करा ना अंदर, एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। टू फैक्टोरियल की जगह टू कैसे आया? फैक्टोरियल की वैल्यू टू ही होती है क्योंकि। अच्छा इसलिए है ना। नहीं सर ये लास्ट वाली वापस से समझा दो। ये एक्स एक्स कैंसिल हुआ। इस एक्स का मल्टीप्लाई क्या? अच्छा हाँ एक्स की मल्टीप्लाई करके अंदर ले गए। ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया। इसके बाद इन सब में से लीस्ट पावर कॉमन ले ली, तो लीस्ट पावर जो दिख रही है मुझे एक्स स्क्वायर दिख रही है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे एक्स बचा, यहाँ पे एक्स क्यूब बचा, ये कॉमन आई गया, तो बस यहाँ पे माइनस वन बाय टू बचा, बाकी सारी टर्म लिमिट लगाई तो जीरो हो गया अपने पास। ठीक है चलो ठीक है आज के लिए इतना ही बहुत है अपना, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है चलो लिख लो इसको, इसको लिख लो। लिख लिया चलो देन, ओके देन बाय बाय। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं।